एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने एंटी रोमियो टीम का दोबारा गठन किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि एंटी रोमियो टीम का दोबारा गठन करके स्कूटी के साथ पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और शेरनी दस्ता को उनके कर्तव्यों के बारे में, संवेदनशील स्थान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कार्य करना है, ब्रीफ किया गया है और महिलाओं की सुरक्षा की प्राथमिकता रखते हुए जो भी महिलाओं के हित में वह कार्य करना है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि शेरनी दस्ता को यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है, जिसको किसी भी हाल में पूरा करना है। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार, प्रशिक्षु सीओ प्रशाली गंगवार सहित शेरनी दस्ता की टीम मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, इसलिए आप पिछले सालों में इसलिए बहुत सारे स्कूल चले थे, जिसके थ्रू स्कूल ना जाने वाली महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करने वालों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया गया था, जो कि अवांछनीय आपत्तिजनक गतिविधियों व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई पाई कार्रवाई किया है, निकल रही है पढ़ के जहाँ से जो है कि जो घूम रहे आवारा गतिविधियां हैं उनसे जो है कि आप लोग मुक्त कराने के लिए आदि का जो मुकदमा है उसके खिलाफ पंजीकृत कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए नौवां नंबर है कि प्रभारी एंटी रोमियो स्क्वाड अभियान के दौरान बालिकाओं अगली महिलाओं से छेड़छाड़ जिसको चेकिंग कर रहे हैं वहाँ एक बार वीडियोग्राफी कर देने से उसको दिमाग में उसके ये बन जाएगा कि आगे अगर कहीं फिर से मैं गलती करें उसके खिलाफ एक बार फोटो खींच लें और उसे समझा बुझा के अगर ज्यादा गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई लायक है तो कार्रवाई करें, उनको सपोर्ट किया जाएगा। ध्यान देंगे इसमें ये बात है कि जब भी किसी बालक को चाहे किसी लड़के को आप अगर चेक करते हैं तो एक बार उसे जो है कि उसके अंदर एक बार डर बन जाएगी, भय हो जाएगा तो दोबारा फिर उसी गलती करने का प्रयास नहीं करेगा, सकारात्मक मानसिकता विकसित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। आगे है सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले इतनी संख्या में आए और आप लोगों ने तभी तक तो सुना जो महिलाओं की सुरक्षा है वो पुलिस की प्राथमिकता है, शासन स्तर पर भी और जिले स्तर पर भी, और इसको हमें गंभीरता से लेना है। मैं आपको केवल चार शब्द कहूँगा जो आपको अनुपालन करने हैं पुलिसिंग के दौरान प्रोटोकॉल में। पहला रेस्पॉन्स आर, दूसरा सेंसिटिविटी एस, तीसरा विजिबिलिटी वी और चौथा प्रोफेशनलिज्म पी, आर एस बी पी। अभी आर एस बी पी क्या होता है कौन बताएगा मुझे, किसी को जानकारी में है आर एस बी पी क्या होता है? कभी शादी के कार्ड पे किसी इन्विटेशन पे आपने पढ़ा है आर एस बी पी लिखा हुआ? तो पुलिस को भी ऐसे ही काम करना है, जैसे ही हमें कोई सूचना प्राप्त होती है हमें तत्काल उसको अटेंड करना है, उसको रेस्पॉन्स देना है, किसी ऊंचा बोलने का या फिर कोई बात करने का ना आपके कोई भाव भाव का उसमें कोई फर्क पड़ेगा ना आपकी ऊंची आवाज में कोई फर्क पड़ेगा उसमें। लेकिन कोई छोटा बच्चा है 6 साल का भी सामाजिक सेंसिटिविटी अपनी वाणी अपनी भाषा Thank you.
आज एंटी रोमियो टीम्स गोरखपुर का पुनर्गठन करके उनको स्कूटीज़ के साथ में पुलिस लाइन में रवाना किया गया है पुलिस लाइन से, और इसमें इनको अपने कर्तव्यों के बारे में, जो जनपद के संवेदनशील स्थान हैं उनके बारे में किस प्रकार से कार्य करना है, क्या कार्य करना है, सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफ किया गया। और महिला और बालिका सुरक्षा को प्राथमिकता रखते हुए जो भी महिलाओं और बालिकाओं के हित में है वो कार्य करना है, किस प्रकार करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये स्पष्ट किया गया है कि महिला सुरक्षा जनपद पुलिस की प्राथमिकता है और इसको किसी भी हाल में पूरा करना है।